मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान साजा विधानसभा क्षेत्र के बोरी ग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने 44 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और भूमि पूजन किया। क्षेत्र को स्कूल, कॉलेज, आईटीआई सहित कई सौगातें दी हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आम जनता ने भूपेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम फ्लैगशिप योजनाओं की तारीफ की और यह भी बताया कि उन्हें छत्तीसगढ़ शासन की सभी योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। इस बीच एक विद्यार्थी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बीएड के प्रवेश को लेकर सवाल पूछा, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विद्यार्थियों को समझाया और खुले मंच से ही राज्यपाल अनुसुईया उइके पर जमकर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल राजनीति कर रही हैं, आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं, जिसके कारण कई मामले अटके हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां तक कह दिया कि सभी 90 विधायक जनता के द्वारा चुनकर आए हैं और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता ने जनप्रतिनिधि के रूप में विधायकों को चुना है, लेकिन राज्यपाल खुद को विधानसभा और पंचायत से बड़ा समझ रही हैं, जिसके कारण वे आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो परिवर्तन आया है, यहाँ के बोरी और आसपास के गांव के लोग सारे विधानसभा अपनी जुबानी सब बात कर रहे हैं। धान बेच के जो स्थिति में सुधार हुआ, व्यापक पैमाने पर उसका परिवर्तन छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया। गोबर बेच के भी जीवन में बड़ा परिवर्तन आया, गौठान समिति स्वावलंबी होने लगे, गोबर के द्वारा प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं, तो लगातार लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। हमारा उद्देश्य यही है कि हर के जीवन में आर्थिक रूप से वो स्वावलंबी बने, ये हमारी कोशिश। दूसरा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, गाँव के बच्चे किस प्रकार से पराठेदार अंग्रेजी बोल रही है, ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और आज हर व्यक्ति, अभी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद इतने लोग मुझसे मिले।